Namaskar and a very good morning. Welcome to the webcast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. It seems to be a weaker morning for the Asian equities after a weaker than expected economic data from China. Asian currencies are also trading weak against the dollar. Oil prices are hovering above 76, but the dollar index is flat. So if we consider all this together, weaker Asian equities, weaker Asian currencies, and stronger oil prices are enough to offset a flatter dollar index and ensure that dollar rupee July futures is going to open higher around 74.45 and trade with an upward bias. July futures is now the focus because June futures expires today. अगर हम लोग रेंज के बारे में बात करें तो 74.10 से 74.70 का अभी फिलहाल एक रेंज है जुलाई फ्यूचर्स में. लोअर एंड ऑफ द रेंज यू कैन बाय फ्यूचर्स और यू कैन इवन बाय आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस और इवन कॉल स्प्रेड्स, क्योंकि जब तक 74.10 के नीचे ये क्लोज नहीं हो रहा है तब तक लॉन्ग करके ट्रेड करना है इस मार्केट में. 74.10 के नीचे जाके क्लोज होता है देन ये जो व्यू है वो बुलिश से बेयरिश में चेंज हो जाएगा, बट जब तक वो नहीं हो रहा है लॉन्ग इज द ट्रेड. इंटरनेशनल करेंसीज में यूरो आईएनआर का रेंज बनेगा 88.5 से 89. बायस तो डाउनवर्ड ही है यूरो आईएनआर में, बट स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा क्योंकि डॉलर रुपी अपवर्ड है और इसके कारण थोड़ा सा ऑफसेट कर सकता है मूव. तो इसके लिए यूरो आईएनआर में स्लो डाउनवर्ड मूव का ट्रेंड रहेगा. पाउंड आईएनआर रेंज बाउंड रहेगा 103 और 103.50 के आसपास, और येन आईएनआर 67 और 67.5 के बीच ट्रेड करना चाहिए. सो दैट्स इट फोक्स, दिस इज अनिंदा बैनर्जी साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन.